Hi everyone, good evening guys, welcome to Dipanshu's newsroom. So welcome back to the daily current affairs. We'll just start in a bit, just give me a second. So we'll be covering today news of past 2 days. Namaste, namaste. How are you guys doing? Okay. Good evening everyone. I hope I'm audible and visible to all of you properly. Net is not working well. Okay. Hi Anushri, how are you? Hi Trishna, hi Sonu, hi Rekha, Shivani, Jaya, राकेश वर्षा हर्ष सौम्या रितीश ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सो रैप अप फॉर टुडे दीपांशुज न्यूज रूम फॉर 15th एंड 16th ऑफ जुलाई एंड बाकी एज यू नो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन यूजिंग माय कोड डीप आई डिड एंड सो नाउ देयर इज अ न्यू सेट ऑफ सब्सक्रिप्शन कॉल्ड इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उसमें आपको और भी लोग मेंटर करेंगे सो अ पर्सनल कोच विल बी ऑल्सो साइन टू यू So you can get subscription for Iconic also by using the same code DeepIT10. I'll be anyway available for all the guidance and help in any way possible. Right, चलिए जी start करते हैं. PDF आपको मेरे Telegram channel मिल जाएगी last session की और आज के session की combined PDF I'll share. चलिए तो पहले जो news आई है that is regarding Pragyata. This is basically a guideline on online usage and online learning. So MHRD ने release किया guideline on digital education called as title Pragyata. The guidelines have been prepared by the NCERT. तो इसमें उन्होंने कुछ बोला है कि कैसे households को manage करना है. So the guidelines acknowledge that the students living in the households which fall into different categories. तो उन्होंने students को categorize किया है. Those who have computers. तो उसमें उन्होंने कुछ advice के form में दिया है कि इतने देर time होना चाहिए watch time इतने देर होना चाहिए. ज़्यादा देर ऑनलाइन क्लासेस मत देखो आप ऐसा ऐसा उन्होंने सजेशन दिया है बट नेवरदलेस सो दीज गाइडलाइंस जस्ट एडवाइजरी नेचर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन फॉर्मुलेट देयर ओन रूल्स जैसा भी उनको लगता है बेस्ड ऑन द लोकल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो द गाइडलाइंस इंक्लूड 8 स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग सो प्लानिंग रिव्यूइंग अरेंजिंग गाइड योक इज बेसिकली टॉक असाइन ट्रैक एंड अप्रिशिएट
तो प्रज्ञता, मैंने बोला था ना, बहुत ही मस्त सा एक्रोनिम रखती है गवर्नमेंट। पहले डिसाइड करती है कि उसका नाम कैसे रखा जाए, उसके हिसाब से वे लोग, ये लोग एक्रोनिम जो है रखने के बाद नाम डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो दे हैव, सो इट्स मोर द एडवाइजरी इज मोर अबाउट स्टूडेंट्स रादर देन द टीचर। आई थिंक दे नीड टू ऑल्सो कम आउट विद समथिंग फॉर टीचर्स एज वेल। तो ये गाइडलाइन जो इन्होंने इशू करी है वो स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक द टीचर्स, द स्टूडेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू स्टॉप बुलिंग टीचर्स। आज ही मैंने देखा एक पोस्ट आई हैड शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम की, एक बेचारे टीचर हैं, उन्होंने पढ़ाने की कोशिश करी बट ऑनलाइन पीपल आर यूजिंग कस वर्ड्स एंड स्टूडेंट्स क्या है, जूम कॉल पे एनोनिमस नेम से ज्वाइन कर लेते हैं एंड दे आर अब्यूजिंग टीचर्स एंड टेकिंग आउट देयर फ्रस्ट्रेशन, विच इज नॉट कूल। चलो यंग टीचर्स वो लोग तो चलो समझ में आ जाता है, देखो हम लोग जैसे लोगों तो हम लोग उल्टा पलट के जवाब देते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड समबडी इज लाइक अ 55-60 ईयर ओल्ड टीचर जिसको ऑनलाइन के बारे में उतना आइडिया नहीं है। सो इट्स वेरी सैड टू सी दैट, नो, सो इट्स नॉट मेकिंग एनीबडी कूल। सो आई थिंक द गवर्नमेंट ऑल्सो शुड इशू सम गाइडलाइंस टू स्टूडेंट्स, ऐसा करोगे तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है स्कूल में या जैसा भी, मतलब देर माइंड बी सम प्रॉपर एक्शन दैट शुड बी टेकन। एनी वे, सो ये प्रज्ञता जो गाइडलाइन है, दीज एक्नॉलेज दैट द स्टूडेंट्स लिव इन हाउस होल्ड एंड दे फॉल इन दीज कैटेगरीज, या तो जो है जिनके पास कंप्यूटर्स हैं विथ 4G इंटरनेट एक्सेस है, दोज हु हैव स्मार्टफोन बट आर लिमिटेड और विथ नो इंटरनेट एक्सेस, जिनके पास, जैसे आपने देखा होगा आजकल गवर्नमेंट जो है DTH लर्निंग भी फेवर कर रही है थ्रू DTH लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। सो दोज विद हैव टेलीविजन विद केबल और DTH एंड दोज विद अ रेडियो सेट और अ बेसिक मोबाइल फोन विद FM रेडियो एंड दोज विद नो कम्युनिकेशन डिवाइसेस एट ऑल, तो वो चीज़ें। निष्ठा सौम्या जो है वो स्कीम है बट देर इज नो स्पेसिफिक मेजर फॉर द बेटरमेंट ऑफ टीचर्स इन दैट वे। साइबर बुलिंग की बात कर रहे थे हम लोग, बेसिकली जो अनुरोध ने भी मैंशन किया, इट्स मोर अबाउट साइबर बुलिंग, तो उसके बारे में कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू स्टूडेंट्स अंडर COVID-19 सिचुएशन में, दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज स्कूल नहीं चल रहे थे, तो ऑनलाइन लर्निंग के सर्टेन इन्होंने गाइडलाइंस बनाए। तो प्रज्ञता डील्स विद ऑनलाइन लर्निंग के गाइडलाइंस, सो जस्ट रिमेंबर द टर्म रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट आते हैं, मिशन होप है, मार्स मिशन है UAE का, फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन है फॉर द अरब वर्ल्ड, बहुत ही बड़ी बात है इनके लिए, मिडिल ईस्ट के लिए। अभी तक ये लोग सिर्फ ऑयल पे फोकस करते थे, नाउ दे आर इवन फोकसिंग ऑन स्पेस मिशंस। तो ये जो होप मिशन है इसमें एक होप ऑर्बिटर होगा दैट विल बी लिफ्टेड ऑन एन HAA रॉकेट फ्रॉम मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, तो जापान के साथ कोलैबोरेशन, बिकॉज इनके खुद का रॉकेट सिस्टम तो है नहीं। दे आर ऑल्सो इन टॉक्स विद इसरो बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट प्रॉबेबली इन फ्यूचर दे विल यूज इसरो के भी लॉन्चर्स जो है, शायद GSLV या यू नो PSLV दे कैन यूज। तो इट विल बी लॉन्च फ्रॉम दी टानेकेशिमा आइलैंड इन जापान, एंड जो UAE का जो मार्स मिशन उसका नाम होप है, एंड शेड्यूल टू बी लॉन्च ऑन 16th of July 2020, बेसिकली आज। बट अभी तो मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं है इसके बारे में, आई थिंक रात तक कुछ पता चलेगा। सो क्योंकि जापान से तो अभी तक ऐसा कुछ निकला नहीं, अगर होता तो शायद इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आई वॉज चेकिंग एन अपडेट ऑन दिस, did not get any update as such on this mission. So once launched, it will be expected to arrive in orbit around Mars in February 2021. Bad weather se delay ho gaya hai, shayad uska aisa kuch hua hai. So the latest news regarding is that because of bad weather it was not launched. So bhai main keh raha tha there was no update that I checked, there was no update regarding it. So it was delayed because of bad weather conditions, yeah. So once it is launched, it will orbit mein aa jayega around 20, kyunki ye orbiter hai, to land to karna nahi, it's not a lander, it's just an orbiter. So it will be in the orbit by February. So ye 50th anniversary hoga of United Arab Emirates ki founding ka, foundation ka. Cost around $200 million and will carry 3 instruments. एक infrared spectrometer होगा, एक UV spectrometer होगा और एक camera होगा. Mission on Mars की बात करें, so NASA's जो Mars rover है वो एक mission है जो आप पे जाने वाला है, Perseverance with instruments to search for chemical signs of past life. उसके अलावा China भी plan कर रहा है launch करने के लिए Tianwen 1. So these are two other important missions which are lined up. ठीक है, so space missions are always important for UPSC exam, especially current affairs की अगर आप बात करो तो वैसे भी और बहुत important है।
ठीक है. सो यूएई मिशन, होप मिशन फॉर मार्स, देन नासा का जो मार्स रोवर है परसिवियरेंस, वो अगला मिशन जा रहा है. देन द अदर इज, हम लोग भी प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट मिशन ऑन मार्स, सेकेंड वन. तो मॉम के बाद नेक्स्ट मिशन जाने वाला है इंडिया से भी. सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव अनदर वन अगेन मार्स का यहाँ पे, चाइना तियानवेन वन, राइट. फैजल इट वॉज गुड, थैंक यू सो मच कृष्णन. या सो आंध्र प्रदेश हैज, सी इट्स नॉट अबाउट अवेलेबिलिटी, इट्स वो तो है. वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट गवर्नमेंट आर टेकिंग, द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप, एवरी स्टेट इज टेकिंग स्टेप रिगार्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि आप वही कर सकते हैं, देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव फॉर इट. बट द पॉइंट इज ऑल्सो अबाउट प्रॉपर गाइडलाइंस नीड्स टू बी देयर ऑन डूज एंड डोंट्स इन ऑनलाइन लर्निंग. दे कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट, यू कैन से मतलब इम्यूनिटी ऑन डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू. नेक्स्ट जो है, लैंसेट की रिपोर्ट आई है ऑन इंडियाज पॉपुलेशन. तो उन्होंने बोला है इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इट इज फोरकास्टेड टू पीक अबाउट 1.6 बिलियन इन 2048 फ्रॉम 1.38 इन 2017. और उन्होंने बोला है कि इट विल बी फॉलोड बाय 32% डिक्लाइन टू अराउंड 1.09 बिलियन इन 2100. उसके बाद डिक्लाइन हो जाएगी, बट अभी पीक करेगी ऐसा बोल रहे हैं. और इंडिया 2100 में विल बी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री. अगर आप एक्चुअली में देखो तो हमने इसको थोड़ा डिले कर दिया है. हम लोग बहुत पहले 2050 तक प्रोजेक्टेड था दैट इंडिया प्रोबेबली बाय 2050 विल बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री. तो हमने उसको थोड़ा डिले कर दिया इससे, विच इज़ अ गुड थिंग. उसके अलावा इंडिया जो मैंने डेटा दिखाया है, उस रिपोर्ट तो काफ़ी बड़ी है, दिस इज इंडिया स्पेसिफिक डेटा. सो द नंबर ऑफ वर्किंग एज अडल्ट एज 20 to 64 इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू फॉल फ्रॉम 762 million टू 578. नाउ इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है जल्दी से अचीव करना पड़ेगा थ्रू वेरियस इंटरवेंशंस. क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, तो हम लोग अभी ही उसका एडवांटेज उठा सकते हैं. बाद में कोई फ़ायदा नहीं. आप देखो जो पॉपुलेशन है वर्किंग एज, वो डिक्लाइन कर जाएगी टू 578 million इन 2100. लगभग आप देखो ऑलमोस्ट 200 million से ज़्यादा का लॉस अप्रॉक्सीमेटली. एंड इंडिया हैज़ बीन फोरकास्टेड टू हैव द लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन द वर्ल्ड बाई 2100. तो इंडिया की डिक्लाइन तो करेगी, बट कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज इंडिया विल बी स्टिल यंगर. तो ये एक अच्छी चीज़ है. और सबसे ओल्डेस्ट कंट्री इस समय कौन है? जापान. और कम हो रही है. सो इंडिया इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सरपास चाइनाज वर्क फोर्स पॉपुलेशन इन द मिड 2020s, वेयर द वर्किंग एज पॉपुलेशन एस्टिमेटेड डिक्लाइन फ्रॉम 950 million टू 357 million इन 2100. सो चाइना की और कम हो जाएगी. एंड अगर आप 2017 से 2100 की बात करो, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू राइज अप द रैंकिंग्स विद द टोटल GDP फ्रॉम 7 to 3rd इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल GDP. रियल इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो वो अलग मैटर है जब तक आप इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करोगे. उसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, विल डिक्लाइन टू बिलो 2.1 एज टेकन फ्रॉम द डेटा फ्रॉम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस इन 2017 एंड इज प्रोजेक्टेड टू अ कंटिन्यूड स्टीप फर्टिलिटी डिक्लाइन अबाउट 2040 में बाय रीचिंग अ TFR ऑफ 1.29. TFR क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट. तो ये बताता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है एक फीमेल जो है रिप्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग अ रिप्रोडक्टिव स्पैन ऑफ 15-49 years. सो 2.1 बच्चे, मतलब ऑन एन एवरेज 2 बच्चे. तो वो कम हो जाएगा, विच इज अ गुड, तभी पॉपुलेशन थोड़ी डिक्लाइन होगी. सो हमें वैसे भी टोटल फर्टिलिटी रेट अपना इंडिया का कम लेके आना है. सो अभी इट्स 2.1, इट विल एज पर दिस रिपोर्ट वो 1.29 तक जाएगा. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लैंसेट की. देन हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट. ठीक है, सो प्रेसिडेंट ऑफ USA हैज इशूड एन ऑर्डर टू एंड हांगकांग स्पेशल स्टेटस. ये आपने देखा होगा रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ इसके बारे में न्यूज आई थी. ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला कि हांगकांग का स्पेशल स्टेटस हटा दिया जाएगा. सो दे हैव इशूड एन ऑर्डर ऑफ रिमूविंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ हांगकांग. एंड इससे क्या होगा, जो भी चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ बिजनेस करेगा उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाए जाएंगे. नाउ क्योंकि क्या होगा, आपको बताओगे इंटरनल सिक्योरिटी लॉ पास किया गया है वहाँ पे. सो नाउ आफ्टर बिकॉज ऑफ दैट इशू, US ने बोला है कि अब
जो हांगकांग है दे विल बी ट्रीटेड एज सेम एज मेनलैंड चाइना. उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा. पहले हांगकांग को ये लोग अलग से सेपरेटली डील करते थे. देवर यू नो देवर सर्टेन रिलैक्सेशन गिवन टू हांगकांग क्योंकि चाइनीज चाइना से वॉर्स ट्रेड वॉर्स ऑल ऑफ इशूज इज गोइंग ऑन. तो उसमें चाइना को अलग तरीके से डील करते थे. बट नाउ हांगकांग जो है उसको अलग करते थे. दे विल बी नॉट डेल सेपरेटली जो विच वर डेल सेपरेटली नाउ विल बी डेल्ट इन अ सेम मैनर. तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस थे स्पेशल इकोनॉमिक ट्रीटमेंट था सब खत्म कर दिया. अंडर द यू एस इज हांगकांग पॉलिसी एक्ट ऑफ 1992 द यू एस यूज टू ट्रीट हांगकांग अ सेमी ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ चाइना विद इट्स ओन लीगल एंड इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंटली दैन द चाइनीज मेनलैंड इन कॉमर्स एंड ट्रेड एंड अदर एरियाज. दैट इज वाई हांगकांग यूज टू बी अ वेरी बिग मार्केट. ठीक है काफ़ी बड़ी मार्केट हुआ करती थी हांगकांग फॉर यू एस प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड काफ़ी यू एस इन्वेस्टमेंट भी था हांगकांग में. बट नाउ बिकॉज ऑफ द इशू गोइंग ऑन मुनमुन लैंसेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिश करता है. लैंसेट ही पब्लिश करता है दैट रिपोर्ट को. लैंसेट जो है वो हेल्थ रिपोर्ट भी पब्लिश करता है. ठीक है सो हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट के अंदर इनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था. नाउ इट हैज बीन रिवोक्ड. उसके अलावा जो ये नया जो रिवोकेशन किया गया है इसमें ये भी बोला गया है दैट दे वुड पीनलाइज एनीबडी हु इज डूइंग एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन विद द चाइनीज ऑफिशियल्स. सो अंडर द लेजिस्लेशन बैंक्स आर ग्रांटेड अ काइंड ऑफ ईयर लॉन्ग ग्रेस पीरियड टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स अंडरमाइनिंग द हांगकांग्स ऑटोनॉमी. आफ्टर दैट पीरियड अ वैरायटी ऑफ पेनल्टीज इवन कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स का भी प्रोविजन है इसके अंदर. सो नाउ क्योंकि अब क्या हो रहा है क्योंकि हांगकांग को पूरा टेक ओवर कर लिया एक तरीके से चाइना ने. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डीलिंग विद देम सेपरेटली. नाउ इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू लाइक चाइना ही है एक तरीके से. पहले हांगकांग को अलग तरीके से डील करते थे बट अब कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है उसके अलावा ये आज़ाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट है. तो पाकिस्तान और चाइना ने एक अग्रीमेंट साइन किया है फॉर द 700 मेगावाट आज़ाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट. ये झेलम रिवर पे सिचुएटेड है ऑन द सिंध नोटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. अगेन फिर से प्रोजेक्ट बना रहे पीओके में. इंडिया को ऑब्वियस कंसर्न होगा बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सीपेक. तो 1.5 बिलियन यूएस डॉलर जो प्रोजेक्ट है सीपेक टोटल उसके अंदर का ये पार्ट है. ये जो ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसके इसी का ही पार्ट है सीपेक का. एंड सीपेक एज यू नो इज पासिंग थ्रू द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ पीओके. तो भूमिका वहाँ तो वो भूमिका वो तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बट गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट ने तो पूरा ओवरटेक कर लिया ना. लोग तो बेचारे प्रोटेस्ट कर ही नहीं है हांगकांग के कि गलत हो रहा है. ऑफिशियल्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बट करें क्या. सो दिस आजाद पतन प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द 5 हाइड्रो पावर स्कीम्स ऑन द झेलम रिवर दादा फोर आर महल कोहाल चकोती हटियान एंड करोड़ प्रोजेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. ये चार प्रोजेक्ट के जो नाम है याद होने चाहिए क्योंकि आजकल आप देखोगे स्पेशली ड्यूरिंग कोविड बहुत ज़्यादा हाइडल प्रोजेक्ट्स. मैंने मेरे को याद है लास्ट 2-3 महीने में तो 4-5 महीने ही बता दिया आपको नए प्रोजेक्ट्स. एक भूटान का था 2-3 पाकिस्तान के आ गए. सीपेक में आई थिंक ये 3rd हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो लास्ट 3 महीने में न्यूज़ में आया. तो अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट इज अ रन ऑफ द रिवर स्कीम विद अ 90 मीटर हाई डैम एंड 3.2 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्वायर. विल बी डेवलप ऑन द बिल्ड ओन ऑपरेट BOT मॉडल जो बोलते हैं हम लोग. ठीक है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल. जैसे आपके हाईवेज बनते थे सो उसके बाद एक मॉडल है जिसका नाम है हाइब्रिड एनुविटी मॉडल HAM. ये है BOT मॉडल. तो 2024 तक बोल रहे हैं इसको कि कमीशन हो जाएगा. सो दिस इज सिचुएटेड इन दी सुध नोटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. ठीक है चलो हम ट्रैवल करेंगे अब गूगल अर्थ से इस पर. लेट मी ओपन गूगल अर्थ.
उत्कर्ष टू डाइल्यूट इंडिया स्टेक ऑन बीएके एम आई राइट? हाँ मतलब दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द प्रोजेक्ट्स. देखो एक तो क्या है, देखो इंडिया को जबरदस्ती वो है अर्क करने वाली बात है, तो पहले कहीं जाने से पहले हम एक बार इंडिया का मानसून जरूर देखते हैं, ठीक है? बिना मानसून देखे तो नहीं जाएंगे. देखो इतना ज्यादा जबरदस्त मानसून के बादल छाए हुए हैं इंडिया के ऊपर कि आपको दिख ही नहीं रहा इंडिया. देखो दिख रहा है क्या? दिख ही नहीं रहा, इंडिया विजिबल ही नहीं है. आप देखो पता ही नहीं चल रहा, पूरा एंटायर एरिया इज कवर्ड. देखो पूरा का पूरा कवर करके, सिंधनौटी जनरल स्टोर भी है. वाह वाह, ये सिंधनौटी एरिया जो है वहां पे एक जनरल स्टोर पे पहुंच गया है गूगल अर्थ. देखो यहाँ पे एक जनरल स्टोर है, सो यहाँ पे सिचुएटेड है वो लगभग. सो इफ आई जूम आउट, थोड़ा लोड होने में टाइम लगाता है, ये वेरी हैवी सॉफ्टवेयर. ये तो रहा आपका लाहौर और ये रहा जी अमृतसर, ठीक है? यहाँ पे आप जाओगे तो ये एबटाबाद तो पता ही है आपको, तो यहाँ पे ये यह पूरा आपका पीओके जो पूरा जा रहा है सीपैक. वो तो ठीक है, वो तो मैप जो है वो तो ठीक है, बट अर्थ जो है वो सही लगता है. गूगल मैप तो है ही, बट अर्थ इज मोर रियलिस्टिक, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आती है पूरी. सो एनीवे, सो पॉइंट ये कि पूरा का पूरा ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड है. अगर आप देखो हम कश्मीर वैली की तरफ जाएं, मुजफ्फराबाद आ गया, देखो आप पे ये वही पीओके का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ही तो है. ये गिलगित बल्तिस्तान रीजन है, उसके ऊपर चले जाओ गिलगित बल्तिस्तान चले जाओगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, दाचीकाम नेशनल पार्क. यहाँ पे आपको कश्मीर का स्टैग मिलता है, इसको हंगुल बोलते हैं. यू फाइंड कश्मीरी स्टैग ओवर हियर कॉल्ड एज हंगुल, दाचीकाम नेशनल पार्क में यहाँ मिलता है, श्रीनगर के बिल्कुल पास में. देखो 22 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर है ये हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, दिस इज कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कुछ कुछ तो होता रहता है टेररिस्ट अटैक. जब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ पे चल ही सकते हैं. जनरल स्टोर्स बहुत सारे हैं अगल बगल यहाँ पे. बांदीपुर फैजल अपना डिस्ट्रिक्ट देख लिया आपने, तो वेरीनाग जो है ये सोर्स है किसका? वेरीनाग इज सोर्स ऑफ विच रिवर बताओ? झेलम, करेक्ट. वेरीनाग यहां से निकलती है आपकी रिवर, तो उसी पे सिचुएटेड है. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो. एनीवे, सो झेलम रिवर में सिचुएटेड है, सोर्स वेरीनाग है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पता होना चाहिए. नेवर्थलेस कमिंग बैक टू द टॉपिक, निमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी जो है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप जो है निमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन है, उसको बनाने का अप्रूवल दे दिया है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टू द ड्रग एंड द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. सो परमिशन हैज बीन ग्रांटेड बाय द DCGI जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है. तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बेस्ड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बाय नंबर ऑफ डोजेस प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ग्लोबली.
तो पूना वाला जो है उसको ओन करते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट जो है पूना वाला, आपने नाम सुना होगा, वही ओन करते हैं उसको। तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है पूना वालाज का। सो सीरम इंस्टीट्यूट इन पुणे, उनको दिया गया अप्रूवल। इनफैक्ट दे आर डूइंग कोविड के साथ भी, कोविड वैक्सीन का भी ये लोग कर रहे हैं विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर कोविड वैक्सीन। सो फर्स्ट इंजन इज डेवलप्ड निमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन निमोकॉकल पॉलीसैकेराइड, द परमिशन हैज बीन गिवन। तो ये जो निमोनोकॉकल डिजीज है, ये कोई भी डिजीज हो सकती है जो आपके निमोनोकॉकल बैक्टीरिया से हो। तो बेसिकली इट कॉजेज निमोनिया एंड द वैक्सीन इज अ मिक्स ऑफ सेवरल बैक्टीरिया ऑफ निमोनोकॉकी फैमिली विच आर नोन टू कॉज निमोनिया। इसलिए कॉन्जुगेट बोलते हैं बिकॉज देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट सेट्स ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। सो दे आर मेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। They cause pneumonia. So different strands of pneumonia. So pneumonia conjugate vaccine, PCV इसको बोलते हैं। First indigenous vaccine होगी इंडिया के, Serum Institute बनाएगा इसको, जो world's largest vaccine manufacturer है। और COVID के लिए भी hopefully ये लोग लेके आएंगे। हाँ, so पूना वाला जो है इन्हीं की फैमिली को बिलोंग करते हैं, पूना वाला ओन करते हैं Serum Institute को। उसके अलावा ये स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल न्यूज में आया। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि डिफेंस जो आर्मी है इसको और प्रोक्योर करेगी फ्रॉम इसराइल। सो इसराइल के साथ है ये। एंड लास्ट ईयर द आर्मी प्रोक्योर 12 लॉन्चर्स अराउंड 250 मिसाइल्स फ्रॉम इसराइल अंडर द न्यू इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स। आपको पता है दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंशियल पावर्स दिए हैं इन इमरजेंसी सिचुएशन प्रोक्योर करने के लिए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को एक पावर दे दिए कि यू कैन प्रोक्योर अंडर द इमरजेंसी पावर्स दिस हैज बीन इशूड फॉर द आर्म फोर्सेज। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये सैंक्शन दिया था। तो इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स की अगर आप बात करें, अंडर दिस आर्म फोर्सेस हैव बीन गिवन अ फ्री हैंड टू प्रोक्योर इक्विपमेंट वर्थ ₹300 crores तक ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस विद डिलीवरी स्टिपुलेटेड टू बी कंप्लीटेड इन 3 months बट एक्सटेंडेबल अप टू 6 months। और इंटायर न्यू सिस्टम्स नॉट इन यूज वेर ऑल्सो अलाउड टू बी प्रोक्योर्ड अंडर द न्यू पावर्स। तो इसमें क्या ऐसा नहीं कि कोई ऑलरेडी है उसको रिप्लेनिश करना है, इवन न्यू सिस्टम्स कैन बी बॉट अंडर दिस। सो इट इज अ जो ये आपका स्पाइक जो है, इट इज अ पोर्टेबल एंटी, ये देखो पोर्टेबल आप इसको कैरी कर सकते हो, इट इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो प्रॉपरली क्या है कि एंटी टैंक मिसाइल जो है इसको आप थोड़ा बहुत मनूवर कर सकते हो। सो गाइडेड है, रेंज है 4 किलोमीटर की, विच कैन बी ऑपरेटेड इन फायर एंड फॉगेट मोड एंड इन द फायर ऑब्जर्व एंड अपडेट मोड यूजिंग द फाइबर ऑप्टिक डेटा लिंक। तो बेसिकली क्या है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो मोबाइल डिवाइस से। तो दो मोड है इसके, फायर एंड फॉगेट की, एक बार फायर कर दिया इट विल हिट द टारगेट। सेकंड इज यू कैन ऑपरेट इट ऑल्सो, सो यू कैन गाइड इट अ लिटिल, इसीलिए गाइडेड मिसाइल है। तो इसराइल से खरीदा है हमने और खरीदने की बात की गई है। सो दीज आर यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स स्पेशल रैपिड रिएक्शन फोर्सेस ग्राउंड फोर्सेस एंड हेलीकॉप्टर एयरक्रू। इट कैन वर्क इन नॉन लाइन ऑफ द साइट मोड अलाउिंग द गनर टू ऑपरेट फ्रॉम अ कवर्ड पोजिशन ऑल्सो। सो दे कैन फायर इट इन द एयर एंड देन दे कैन नेविगेट एंड उसको मनूवर कर सकते हैं जो मिसाइल को टू हिट द टारगेट। सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी ऑन द लाइन ऑफ साइट, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इट्स नॉट अ लाइन ऑफ साइट मिसाइल, यू कैन फायर इट फायर एंड फॉरगेट एंड यू कैन ऑल्सो फायर इट फ्रॉम अ हिडन पोजिशन कवर्ड पोजिशन से। उसके अलावा एक लेटेस्ट डेटा आया है जो थोड़ा कंसर्निंग डेटा है, चंबल में, चंबल रिवर में डॉल्फिन्स जो है गैंगेटिक डॉल्फिन्स, उनका नंबर कम हो गया। सो इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 13% इन 4 years। और यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, काफी सालों से क्वेश्चन आ रहा है इस पे रिगार्डिंग द चंबल रिवर। एंड चंबल रिवर से आप देखो घड़ियाल के ऊपर क्वेश्चन आया, फिर डॉल्फिन के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी गैंगेटिक डॉल्फिन पे। उनका ये कहना है कि देयर जस्ट 68 डॉल्फिन्स लेफ्ट इन द 435 किलोमीटर लॉन्ग चंबल रिवर जो सैंक्चुरी है यहाँ पे, विच पासिस थ्रू 3 states MP, UP, राजस्थान एंड गैंगेटिक डॉल्फिन आर द सैंक्चुरीज मेन अट्रैक्शन। डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है 2016 से देखा जा रहा है व्हेन देयर वर जस्ट 78 डॉल्फिन्स। पॉसिबल रीजंस जो हो सकते हैं वो है, एक तो अनफेवरेबल हैबिटेट है, एक्स्ट्रा फिशिंग में ये फिशेज जो है नेट में फंस जाती हैं एंड बहुत ही सेंसिटिव स्पीशीज होते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द मेन, हंटिंग भी है इनका काफ़ी ज़्यादा, इंटैंगलमेंट विद द फिशिंग ड्यू टू फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स, पोचिंग, ठीक है पोचिंग होती, कभी कभी घड़ियाल्स की होती तो ये भी फंस जाती है बेचारी। फिर सैंड माफिया को तो खैर क्या ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी बार स्टैंड लिया है, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तक ने इंटरवीन किया है कि इलीगल सैंड माइनिंग को रोकना चाहिए। तो सैंड माइनिंग से सिल्टिंग बहुत बढ़ती है तो उससे ही अफेक्ट होती है बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टू दीज चेंजेस।
सो इट इज रैम्पड इन भिंड एंड मुरैना एंड एमपी. मुरैना में तो एक आईपीएस के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया था. आपको पता होगा बहुत फेमस आईपीएस ऑफिसर थे. ही वाज अ यंग आईपीएस ऑफिसर. ही वाज मार्टर्ड व्हाइल यू नो ट्राइंग टू कैप्चर दिस गाय हु वाज फ्लीइंग इलीगल सैंड माइनिंग माफिया था. तो आई फॉरगॉट हिज नेम. याद आ जाएगा बता दूंगा. तो वो तो बेचारा आईपीएस ही शहीद हो गए इलीगल माइनिंग रोकने के लिए मुरैना में. ही बिलोंग टू अलीगढ़ आई थिंक एंड ढोलपुर राजस्थान. बाय द वे ढोलपुर हाउस इज द ऑफिशियल बिल्डिंग नेम ऑफ यूपीएससी. तो ये प्रिंसली स्टेट है ढोलपुर. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलीगल माइनिंग होती है. उसके अलावा कंजम्पशन. सो चंबल इज अ लाइफ लाइन फॉर थ्री स्टेट. तो एक्सेसिव वाटर यूज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सो एक्सेसिव वाटर यूज इज ऑल्सो बिग कंसर्न. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच द डॉल्फिन्स फेस इन चंबल. तो उस वजह से नंबर इनका डिक्लाइन कर गया. अगर आप डॉल्फिन्स की बात करो तो इनको लोकली सुसु भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द नॉइज दे मेक. ठीक है, वाटर में आवाज़ आती है सुसु. अच्छा, मुझे बहुत ही फॉन्ड मेमोरी है सिंस चाइल्डहुड. सो माई फादर बिलोंग्स टू अयोध्या. तो देर इज अ रिवर कॉल्ड ए सरयू रिवर. अयोध्या में फ्लो करती तो सरयू रिवर में भी आती थी क्योंकि उस समय तो वाटर बड़े प्रिस्टीन होते थे. पहले के ज़माने में इतना पोल्यूशन तो था नहीं. तो हम लोग का जो एक एंसेस्ट्रल हाउस है अयोध्या में वो काफ़ी नियर बाय है विद द रिवर सरयू. एंड सरयू रिवर इज माइथोलॉजिकल वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अयोध्या में रामचंद्र जी व्हेन ही वाज गोइंग फॉर वनवास सो ही वॉश्ड हिज हैंड. तो वो रिवर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू. तो सरयू रिवर में भी आ जाती थी गोमती से फ्लो करते हुए. गंगा यमुना गोमती फ्लो करते दे यूज टू यू नो मर्ज विद सरयू. तो पापा बताते थे मुझे कि गांव में लोग डरते थे इनसे उस समय. विलेजेस होते थे उस समय. तो दे यूज टू गेट स्केयर्ड बिकॉज अजीब सा स्नाउट है ना. तो दे यूज टू थिंक दैट इट्स लाइक अ क्रोकोडाइल समझ अजीब सा स्पीशी. सो दे यूज टू से कि आवाज़ जो है बबल्स निकलते थे. तो वो सुसु जो है नाम रख दिया गया इनका. सो दीज आर द नेम्स ऑफ दिस फिश इन डिफरेंट कंट्रीज. सो बाईजी इज नाउ इज एक्सटिंक्ट नोन इन द यांगजी रिवर इन चाइना में जाना जाता था इनको. भूलन इज इन पाकिस्तान. तो इंडस डॉल्फिन भी है तो उसको भूलन बोलते हैं कश्मीर वैली में. बोटो इज द एमेजोनियन रिवर डॉल्फिन जिसको लैटिन अमेरिका में बोलते हैं. सो देर आर फोर स्पीशीज हु लिव इन रिवर एंड लेक ओनली. उसके अलावा आपको जो मिलती है वो सॉल्ट वाटर वाली भी डॉल्फिन मिलती है. जो आपको मिलेगी कहाँ पे वो मिलती है आपके चिलिका में. यू विल ऑल्सो फाइंड सम ऑफ देम इन गोवा. ठीक है, तो जो चिलिका रिवर में आप चिलिका में देखोगे लेक में उसके अगल बगल दे हैव एक्सेस टू दी. सो ये क्या है उनकी प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टी क्या इनकी टेंडेंसी होती है कि दे कैन ट्रैवल फ्रॉम सलाइन वाटर टू फ्रेश वाटर. दे कीप ऑन मूविंग. तो वो अलग होती है. ये आर दीज आर फ्रेश वाटर स्पीशीज. IUCN स्टेटस में दे आर एंडेंजर्ड. ठीक है, एंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस में. अदरवाइज यस. सो इवन इंडिया में आपको देखोगे गोदावरी में भी थोड़ी थोड़ी डॉल्फिन मिलती है. They are found, so Indus dolphin is also found in a lot of rivers. So Indus से वो जहाँ जहाँ उनकी tributaries होती हैं, you can find it in Bias also. तो Kashmir में भी you have this Indus dolphin, then Gangetic dolphins यहाँ पे tributary में मिल जाएंगी. Then one species of dolphin is found in Goa, Mandovi river में, Mandovi रिजुआरी में, and the other one is found in Chilika. ठीक है, उसके अलावा तो खैर ये है ही. तो ये Gangetic dolphins को लेकर news में आया था. Very favorite topic of UPS, आता ही है उनका एग्जाम में. उन्हें बहुत पसंद है क्वेश्चन गैंगरिक डॉल्फिन के ऊपर क्वेश्चन पूछना. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे. नॉट मच न्यूज. एक दो टॉपिक थे थोड़े बहुत बट दे वर लाइक रिपीटेटिव टॉपिक्स. सो ज्यादा कुछ था नहीं. एडिटोरियल में नॉट टू मच अगेन. So just give it a glance. So tomorrow I'm planning to take up last 3-4 din ka editorial. Otherwise from prelims point of view as of now these are the only remaining topics that were there in news from today and yesterday. Okay, so I'll share the PDF with all of you. You can go through the PDF on my Telegram channel. Also main Articulate pe bhi share kar dunga. So you can get it there as well. Baki if you have any queries and questions you can always reach out to me for any concerns. Okay. सो वी हैव इरावदी डॉल्फिन जो है वो तो खैर दैट्स दी अदर स्पीशीज. इरावदी रिवर से मिलती है. तो वो दे आर मोर फाउंड इन व्हाट यू से ब्रैकिश वाटर स्पीशीज है. हाँ जी अपूर्वा, क्वेश्चन करवाऊं या क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप?
Special classes will continue from tomorrow onwards. Baki, you can always reach out to me on my number 9690818927 that you already know. कोई भी सब्सक्रिप्शन को लेकर डाउट हो, कोई क्वेरी हो, 9690818927. ठीक है जी, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग. कल 11 बजे मिलूंगा पॉलिटी क्लास के लिए, जो दूसरा वाला बैच है उसको मिले रात को होगी 9 बजे क्लास. ठीक है, आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस एंड द प्रीवियस क्लास ऑल्सो.